हेलो, राम राम, नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस या सुसाइड केस अभी हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि सीबीआई इसकी जांच कर रही है। और इस केस में हमें एकता देखने को मिली है लोगों की। अगर एकता नहीं होती, सभी लोग मिलकर दरख्वास्त नहीं करते या प्रेशर नहीं देते, तो शायद ये मुद्दा सीबीआई के पास नहीं जाता और इसकी जांच नहीं हो पाती, और ये भी और मुद्दों की तरह बंद हो जाता या कहीं ना कहीं दबा दिया जाता। तो बहुत अच्छा लगा कि अभी लोग नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज हो रही है ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, या बॉलीवुड में जो भी गलत हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो अपने दम पर बॉलीवुड में अपना एक लोहा मनाए हुए हैं, उन लोगों का साथ दे रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि अभी फिलहाल जो अच्छा हम टैलेंट बोल सकते हैं, उसका हमारी पब्लिक सपोर्ट करने लगी है। तो थैंक्स अ लॉट। और रोज कुछ ना कुछ नई अपडेट हमें सुशांत सिंह राजपूत केस से देखने को मिल जाती है न्यूज चैनल पर, तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी कि एक मुद्दा और है जिसे आप इन सब चीजों को लेते हुए या फिर दो चार चीजों को दिखाते हुए उसे नजरअंदाज कर रहे हो, या मेरे ख्याल से आप दिखाई नहीं रहे हो जानबूझकर। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, शायद जो मुझे लग रहा है मैं वो बोल रही हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो माफी भी चाहूंगी। लेकिन अभी सभी बखूबी जानते हैं कि कुछ ही वक्त पहले किसान आंदोलन होना था, जिसमें काफी किसानों को गिरफ्तार भी किया गया, काफी किसानों को पीटा भी गया, काफी किसान मरे भी हैं। और कोई बुरी बात नहीं है, किसान अपना हक मांग रहे हैं, किसान बोल रहे हैं कि हमारी दरख्वास्त सुनो, हमारी आवाज सुनो, और सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। और मीडिया कर्मी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। तो मेरी मीडिया कर्मियों से दरख्वास्त है कि प्लीज आप ही हो हम जैसे छोटे छोटे इंसानों की आवाज। तो हर मीडिया कर्मी से मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है कि किसानों की आवाज को आप लोग बुलंद कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि किसान की आवाज को उठाए दिखाए। और सरकार से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि किसानों का साथ दे, किसानों की सुने, उनकी मांगे सुने, और जितना हो सके उन्हें पूरी भी करे, क्योंकि किसान है तो अन्न है, और अन्न है तो हम हैं। और मुझे बेहद खुशी होती है कहते हुए कि मैं उस धरती से हूँ, उस जमीन से ताल्लुकात रखती हूँ, जहाँ किसान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, बहुत बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और गर्व है मुझे कहते हुए कि मैं एक किसान की बेटी हूँ। तो मेरी हाथ जोड़कर सरकार से दरख्वास्त है कि कृपया आप किसानों की बात सुने और कहीं ना कहीं उनके मुद्दों पे अमल करें। और जाते जाते बस यही कहूंगी कि जय हिंद, जय जवान, जय किसान।